गाइस यार वापस आकर एक और न्यू माइनक्राफ्ट का वीडियो लेकर आया था। आज आप लोगों के लिए लेके गए माइनक्राफ्ट का एकदम क्रेजी मोड गाइस, जो कि टॉप 3 बेस्ट फर्नीचर मोड होने वाला है एंड रियलिटी टाइप का भी रहेगा। गाइस पी के 1.19 फुल्ली वर्क करता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना है। अभी तक यार वीडियो को लाइक भी नहीं को लाइक जरूर कर देना। ये टॉप 3 मोड का काफी अमेजिंग है, इसमें स्पोर्ट मोड भी है एंड गाइस इसमें जिम मोड भी, काफी सारे चीज है। चलो आपको दिखाना भी स्टार्ट करता हूं, इसलिए गाइस वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चलो पहले नंबर की मोड की बात है, जिसका नाम है स्कूल फर्नीचर। मतलब ये आपको पता ही यार स्कूल में काफी सारे फर्नीचर होते थे। चलो बस पहले आपको दिखाता हूं, ये रहा अपना प्रोजेक्टर जो कि यार फुल्ली वर्क करता है, लेकिन यार जमीन के अंदर वर्क कर रहा। तो पहले अपन डर्ट को तोड़ देते हैं और दिखा रहे थे प्रोजेक्टर कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है, और ये क्या दिखा रहा पता नहीं यार, वो सबको छोड़ो। एंड यार ये रहा अपना टेबल, मतलब टेबल की बड़ो कुर्सी, और ये क्या चीज़ है भाई ये तुम्हें तो पता नहीं। एंड यार चेयर, यहाँ टीचर बैठती है तो वो। एंड गाइस ये रहा यार लाइट, ये तो ओपन वर्क करती है, ओपन की बड़ा मतलब वर्क करती है यार लाइट। अंधेरे पे भी देखो यार वर्क कर रहा है पूरा लाइट, बंद चालू भी हो रहा है। एंड ये तो आपको पता ही यार प्रिंसिपल के उस पर रखा रहा था, क्या बोलते हैं टेबल वेबल पे, मेरे कभी कभी क्लास पे भी लेके आ जाते हैं इसको कुछ जरूरत पड़ता है तो। एंड ये रहा एक और टेबल, टेबल के अंदर आप इजीली सामान रख सकते हो, एकदम हिडन चेस्ट टाइप का, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ट्रोल करना चाहते हो तो भी यार आप इसमें कर सकते हो, अपने फ्रेंड से परेशान हो गए हो तो इसके अंदर आप इजीली रख सकते हो। और ये रहा यार बुक, जो कि मैं कभी खोलता ही नहीं हूँ। उसके बाद अपन को एक और हिडन चेस्ट है इसके अंदर, जिसके अपन कर सकते हैं। साथ ही साथ यार इसके अंदर प्रिंटर है, जो कि अपन इसमें सामान प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन यार अपन जो प्रिंट करेंगे वो अरे बाहर नहीं निकलेगा, बस इसी चीज़ का दिक्कत है। लेकिन यार प्रिंटर फुल्ली वर्किंग है, वैसे मोड भी काफ़ी रहा कमाल का है। साथ ही साथ एक और टेबल है कुछ इस तरीके से, ये भाई पता ही आपको प्रिंसिपल लोग बैठते हैं सारे टेबल पे कुछ इस तरीके से है। बाकी अरे मोड को यूज करके जरूर देखना, काफ़ी अरे मज़ा आएगा, उसकी कोई रियलिटी मोड है। नंबर 2 मोड की बात है, जिसका नाम है स्पोर्ट आइटम, मतलब स्पोर्ट काफ़ी सारे आइटम, बास्केटबॉल आएंगे रैकेट के। चलो यार आपको दिखाई देता हूँ, जैसे देखो यार बास्केटबॉल रखा है, रैकेट रखा हुआ, ये तो आप लोग खेल ही होगी भाई, रैकेट खेल में काफ़ी ना मजा आता है। बास्केटबॉल में भी आएंगे 3 प्रकार के बास्केटबॉल भाई, छोटा बड़ा और बड़ा उससे समझ गए ना। उसके बाद देखो यार ये है अपना भाई रैकेट खेलने का जगह, भाई रैकेट खेलते इसमें आएंगे। ये रहा बास्केटबॉल प्रैक्टिस मैप, मैं भी बोल सकते हैं अभी समझ लो, कुछ और भी बोल सकते हैं जो भी रहा यार, यहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ प्रैक्टिस करोगे उसके बाद सीधा सामने गए, ये रहा एक और मैप जिसमें कि यार आप खेल सकते हो यहाँ का इजीली बास्केटबॉल मल्टीप्लेयर में आप खेल सकते हो। ये साथ ही साथ एक और टाइप का मैप है कुछ इस तरीके से, ये रहा ऐसे इसको क्या बोलते हैं यार मैप है, अभी मैं बोल दे रहा हूँ जो भी छोड़ो यार समझ लेना आप लोग। ये यार पता है आपको रैकेट खेलते तो बीच में लगाते हैं यार क्या बोलते हैं जाली वाली वो। एक और अगर बास्केटबॉल प्रैक्टिस मैच, इसमें कहीं भी बॉल फेंकोगे, लेकिन फेंको की बोल रहा हूँ, कहीं भी बॉल फेंकोगे तो इसके अंदर ही जाएगा। इसमें ट्राई करके देखा, मैं कहीं भी बॉल फेंक रहा हूँ इसके अंदर ही जा रहा है। तो गाइस ये वाला मोड को भी ट्राई करके जरूर देखना, काफी ज्यादा अमेजिंग मोड है यार। तो नंबर 3 मोड के बढ़ते, जिसका नाम है जिम आइटम, ये भी काफी ज्यादा कमाल का, पहले भी दे चुका लेकिन वापस आप लोगों के लिए लेके आ चुका। जैसे कि देखो यार ये सारा जिम का सामान है, जिससे कि आप इजिली जिम कर सकते हो। देखो कितना सारा प्रकार का आइटम हुआ जिसमें जिम आपको करना इजिली हो जाएगा, भाई रियल लाइफ में करते नहीं तो माइनक्राफ्ट में कम से कम जिम करेंगे भाई, ये सारी चीज़ को उठा लेना, अगर उठा सकते हो तो उठा लेना। गाइस देखो ये अलग सा आइटम क्या चीज़ है भाई मेरे को पता नहीं, ये लंबा सा है गोल सा है मेरे को समझ नहीं आया। एंड गाइस ये मशीन फुल्ली वर्किंग है, देखो यार मशीन चलने लगे था, लेकिन यार ये मशीन में एक चीज़ का प्रॉब्लम है यार, अपना स्ट्यूब बैठ के अगर ऐसा करता था मजा आता भाई। अगर मोड जो बनाया भाई वो भाई देख रहे क्रिएटर है मेरा वीडियो, तो भाई इसमें कुछ ऐड कर दो यार, ताकि इसमें अपन चल भी सके तब तो यार अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मस्त है यार ये सारा एड ऑन। तो इस सारे एड ऑन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना होगा, किस टाइप का वीडियो लेकर आऊँगा ये भी कमेंट में जरूर से बता देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।